करो, ये यूपी वाले हैं ना, यूपी वाले गुंडे आदमी होते हैं। क्रॉस नहीं करोगे ना तो मोबाइल होते हैं। देखो यहाँ सबके साथ पूरी की पूरी टीम है ऊपर, पूरी की पूरी टीम। सो हे गाइस, आप सभी का फिर से नए वीडियो में स्वागत है। गाइस ये है आनंदपुर गुरुद्वारा साहेब और ये काफ़ी मशहूर है, चारों तरफ देख सकते हैं आप। मैंने डुअल कैमरा चालू कर लिया और गाइस अब चलते हैं। सो हे गाइस, अब आ गए दर्शन करके, यहाँ से भी अंदर से भी लौट आए हम और ऊपर छत पे घूम रहे हैं। कितना गजब है वहाँ से, थोड़ा जूम करूँ। वाह, बहुत लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा भी यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, और काफ़ी सेल्फी ले रहे हैं हमारे गांव के जो लोग हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रुमालवान है बाबा नायक और इनकी तरह, और काफ़ी ज़्यादा यार बहुत खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और भाई यहाँ से शहर कैसा लग रहा है ऊपर, रिकॉर्डिंग करूँ। सूर्य देवता कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और गाइस यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत और बहुत अच्छा है। अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे लोग क्या कर रहे हैं। हाँ सब क्या फोटो ले रहा है, अच्छा है ना भैया, बहुत मज़ा आया। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं चलकर, बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर है यहाँ का नज़ारा, ऐसे भी कर लो। और यहाँ पे कितना फिनिशिंग है यार। तो हम गए थे वैसे वहाँ माता नैना देवी यहाँ, और वहाँ से अभी हमारा ट्रेन का टिकट है, हाँ ट्रेन का टिकट है 10:50 पे, तो हम अभी यहाँ पे चले आए घूमने, हमारे पास टाइम था इसलिए चले आए घूमने और कहीं जा नहीं पाए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हम रात को 10:50 पे निकलेंगे दिल्ली के लिए, जाएंगे रूम पे और उसके बाद हो सकता है गाँव जाऊँ अपने, और गाँव जाना है मुझे बहुत ज़रूरी है। गाँव से फिर हो सकता है गोरखपुर जाऊँ मैं, वहाँ भी जाना है घूमने के लिए। तो गाइस यहाँ से दिखाऊँ और ज़्यादा शहर काफ़ी खूबसूरत है, जूम करूँ थोड़ा। बहुत सुंदर है, जो हमारे लोग हैं जो उधर हैं, और अभी हम निकलेंगे कुछ देर बाद यहाँ से, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ट्रेन अभी 10:50 पे आएगी, उसके लिए ज़रूर अभी हम जाएंगे, लेकिन अभी टाइम है, अभी थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे टहलेंगे और फिर थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। और आज उधर हमारे लोग बैठे हुए हैं लाइन से, दिखाऊँ जूम करके, उधर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लाइन से, भंडारे में बैठे हैं। हेलो राम प्रकाश, हेलो राम प्रकाश, मेरा खींचना, मेरा फोटो खींचना राम प्रकाश, मेरा खींचना एक आध वीडियो तो बना रहा हूँ। तो गाइस ये अभी फोटो खींच रहा था, इसको बोल रहा हूँ कि मेरा फोटो खींच नहीं रहा है, ये अपने में लगा हुआ है, काफ़ी सारा बहुत पसंद करता है फोटो खींचना और बहुत अच्छा लगता है उसको, इसलिए नहीं बना रहा है मेरा, ना तो फोटो खींच रहा है ना तो वीडियो बना रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये भैया लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये लौटू भैया हैं और ये लगे हुए हैं। हम भी बैठ जाए भैया, बैठ जाए हम भी, हमारी भी फोटो खींचो, ये लोग बैठ गए भैया, खाना वाना लेकर आओ भैया, खींचना भाई, देखो कैसे फोटो खींच रहे हैं और काफी अच्छा सुंदर है, यहाँ ऊपर दिखाओ थोड़ा जूम करके। और यहाँ पे सब जो पकड़ा जा रहे यहाँ पे काय तो बैठे हुए हैं, थोड़ा जूम करूँ उधर, मजा आ गया यार घूम कर। वैसे तो हम आए थे नैना देवी घूमने पर हम यहाँ आ गए, और यहाँ आ गए अच्छा लग रहा है यहाँ भी घूमकर, और वहाँ का भी बहुत सारा मैंने वीडियो बना रखा है, और उधर देखना फोटो खींचने के लिए बोला था भैया उधर चले गए, क्या बात है यार, सूर्य भगवान। काफ़ी सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है यार, थोड़ा जूम करूँ यहाँ से, और यहाँ पे फूल वूल लगे हुए हैं काफ़ी अच्छा, छत पे इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस अब बन चुका है और
यहाँ से रेलवे स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पास में है, और यहाँ पे थोड़ा मैं तालाब दिखा देता हूँ आप यहाँ से। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बनारस वाली तालाब देख सकते हैं कितना गजब बना हुआ है, और दिखा दूँ आपको मैं थोड़ा। भैया राम प्रकाश भाई ये लगे हुए हैं अपने इसमें, और काफ़ी लगता है यार हाल कर दिया यार, मैं बोल रहा हूँ फोटो खींचने के लिए मेरे में सही नहीं आ रही है, और वो उधर से इधर से उधर जा रहे हैं, और यहाँ पे देखो ये क्या लगा हुआ है। हाँ हमारा ना खींचो दूसरे खींचो, है ए गुंडा बाबा नायक चल खींच मेरा हमारा खींच हमारा। तो देखो कैसे लगा हुआ है इसको, देखो कैसे लगा इसको, बोल रहा हूँ फोटो खींचने के लिए खींच नहीं रहा मेरा, मैं अपना अभी बोलूँ उसको खींचो ना इतना जल्दी देगा। देखो ये भैया क्रॉस करो, ये यूपी वाले हैं ना, यूपी वाले गुंडे आदमी होते हैं क्रॉस नहीं करोगे ना तो मोबाइल यूपी वाले गुंडे आदमी होते हैं। देखो यहाँ सबके सब पूरी की पूरी टीम है ऊपर, पूरी की पूरी टीम, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वीडियो बना के। तो गाइस चलिए गाइस वीडियो यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और फोटो भी लेना है मुझे क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और थंबनेल लगाने उगाने के लिए। तो गाइस हम आगे के और आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं और पीछे भी देख सकते हैं, पीछे करूँ थोड़ा जूम करूँ और जब अब यहाँ से हम मैं निकल रहा हूँ और सभी निकल गए हैं यहाँ से ग्रुप वाले से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लियर आ रहा है थोड़ा, और अब चलते हैं हमें जाना है रेलवे स्टेशन, और वहाँ से जाना है हमें नई दिल्ली, नई दिल्ली जाएगी या नहीं पुरानी दिल्ली जाएगी ट्रेन, तो वहाँ जाना है। और अभी टाइम देखता हूँ कितना होगा कितना नहीं, अभी फ़ोन में घड़ी भी नहीं पहन रखा हूँ, हमारे लोग नीचे पहुँच चुके हैं, और वैसे तो टोकन मेरे पास है घूम पाएंगे नहीं बैग और जूते, तो चलते हैं नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। और मैं अभी यहाँ पे हूँ गुरुद्वारे में, चलता हूँ नीचे की साइड और ऊपर हैं अभी, और बाकी अंदर का वीडियो मैंने बना रखा है, पूरा वीडियो आएगा इस पर और पूरा एक ही वीडियो में डालूँगा सब, गिर रहे हैं नीचे नीचे जा रहे हैं। तो भाई निकल चुका हूँ यहाँ से, और अब अभी निकल चुके हैं और अभी यहाँ पर मिलेंगे, और मैं बाहर आ चुका हूँ और सबके सब वहाँ अपना कैप ले लूँ जाकर, और टोपी भी वहाँ पे रख रखा हूँ तो टोपी लगा लेता हूँ। तो भाई अभी हमने लंगर खा लिया है और अंदर चल रही थी, और वहाँ जाकर गया है थाली वाली प्लेट कुछ नहीं करना पड़ता है तो खा कर, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा और मस्त खाना था एकदम से, जैसे नैना देवी में मिला था वैसे ही खाना यहाँ पे भी मिलता है, और प्रसाद बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ करके। और गाइस उसके अंदर काफ़ी पर जाके अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हम जाएंगे दिल्ली के लिए, ना 10:50 पे है दिल्ली के लिए ट्रेन, और वहाँ से फिर अपने रूम पे जाएंगे। चलिए गाइस चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो बना लिया तो पर आते रहेंगे। तो चलिए गाइस जय हिंद जय माता।